नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कोई किडनी जब किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो सबसे बड़ी समस्या उसको सबसे पहले जो उलझन उसके दिमाग में होती है वो ये होती है कि क्या खाए और क्या ना खाए। यानी कि जब इंसान डायलिसिस पे होता है तब उसका डाइट प्लान क्या होना चाहिए उसको लेके बहुत सारी उलझनें चलती रहती है, और किसी और से अगर हम सजेशन लेते हैं तो भी बहुत अलग अलग राय हमको मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं ये खाओ, कुछ लोग बोलते हैं ये मत खाओ, बहुत सारा कंफ्यूजन चलता रहता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि प्रोटीन कम खाना चाहिए, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि प्रोटीन कम खाने से क्रिएटिनिन कम हो जाता है। बात सही है, क्योंकि जब प्रोटीन ही बॉडी में नहीं आएगा तो क्रिएटिनिन बनना बंद हो जाएगा, तो रिपोर्ट में क्रिएटिनिन कम आएगा। लेकिन दोस्तों, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन जब बॉडी में नहीं जाता तो कमजोरी आ जाती है, इंसान की ताकत कम होने लगती है, एनर्जी कम होने लगती है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए पूरा एक बैलेंस डाइट प्लान होना बहुत जरूरी है, उसका पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डायलिसिस पेशेंट के लिए प्रोटीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पोटेशियम, सोडियम और फॉस्फोरस। इसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोटेशियम या सोडियम या फॉस्फोरस जब बॉडी में बढ़ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, और किडनी फेल जिसकी है उस पेशेंट के अंदर ये चीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि किडनी काम नहीं करती तो जो ज्यादा पोटेशियम बढ़ जाता है या फिर ज्यादा सोडियम होता है वो यूरिन में निकलना बंद हो जाता है और बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो डाइट में खास करके ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिसमें पोटेशियम और सोडियम थोड़ा कंट्रोल में हो, ऐसे फूड हमें खाने चाहिए। तो क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है, जिसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैं वेजिटेबल्स के बारे में बात करूंगा, यानी कि सब्जियों के बारे में बात करूंगा, कौन सी सब्जी खानी है, कौन सी सब्जी नहीं खानी है। दूसरे पार्ट में मैं बात करूंगा फ्रूट्स के बारे में, यानी कि फल फलादि के बारे में, जिसमें कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन से फ्रूट्स नहीं खाने। और इस वीडियो के ही तीसरे पार्ट में मैं कुछ कॉमन सी चीजें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, और कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो खाना आपके लिए अच्छा है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियां में आप क्या क्या खा सकते हो, क्या क्या नहीं खा सकते हो। तो देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सी सब्जियां आपको खानी है। तो उसमें खास करके कैबेज है, यानी कि गोभी, जिसमें पत्ता गोभी भी आ गई और फूल गोभी भी आ गई, ये आप खा सकते हो, इसमें पोटेशियम काफी कंट्रोल में होता है। दूसरी चीज मैंने लिखी है लौकी, कुछ लोग उसको घिया भी बोलते हैं, और गुजराती में जिसको दूधी बोला जाता है वो भी आप खा सकते हो। आप भिंडी भी ले सकते हो, भिंडी में भी पोटेशियम मात्रा काफी कंट्रोल में होता है, साथ ही साथ उसमें फाइबर होता है जो बॉडी को एनर्जी देगी। आप टिंडी भी खा सकते हो, आप करेला भी खा सकते हो, आप गाजर भी खा सकते हो। देखो, गाजर में ज्यादातर लोग इसको सैलड में इस्तेमाल करते हैं, उसको कच्चा खाते हैं, लेकिन डायलिसिस पेशेंट को कोई भी सैलड कच्चा नहीं खाना है। आपको अगर गाजर जैसी चीजें खानी है तो आप उसको थोड़ा सा गर्म करके खाइए, सैलड को थोड़ा सा पका लीजिए फिर खाइए। तो इस तरह से आप गाजर भी खा सकते हो, आप प्याज भी खा सकते हो, प्याज बहुत अच्छी चीज है, उसमें पोटेशियम बहुत कम मात्रा में होता है और ये बहुत अच्छी चीज है, तो आप खा सकते हो। लेकिन इसको भी कभी आप कच्चा मत खाइए, इसको भी आप खाने के अंदर पका के मिला के खाइए तो अच्छा है। आप गार्लिक यानी कि लहसुन खा सकते हो, आप अदरक ले सकते हो, आप धनिया ले सकते हो, और आप कैप्सिकम जो आते हैं ग्रीन कलर के, रेड और येलो, तीन कैप्सिकम आते हैं अलग अलग टाइप के, ये तीनों आप खा सकते हो। तो वेजिटेबल्स में आप ये चीजें खा सकते हो। अब देखते हैं कि आपको वेजिटेबल्स में, सब्जियों में क्या क्या नहीं खाना है या फिर कम खाना है। सबसे पहली चीज है पोटेटोज, यानी कि आलू। आलू आपको बहुत कम खाना है, क्योंकि उसमें पोटेशियम काफी ज्यादा होता है, और अगर आपको खाना भी है तो इसको ट्राई कीजिए कि आप इसको बॉईल करके खाइए, उबाल के आप आलू खा सकते हो, वो भी एकदम कम खाइए क्योंकि इसमें पोटेशियम ज्यादा है। वैसे इसको बॉईल करने से उसका पोटेशियम थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। आपको स्वीट पोटेटो यानी कि शकरकंद बहुत कम खाना है, उसमें भी पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद आता है बीट रूट, यानी कि जो लाल कलर के बीट आते हैं वो भी आपको कम खाना है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि बीट एकदम लाल कलर का होता है तो इसको खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। देखिए, ये एक गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे बीट के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बाकी इंसानों के लिए डायलिसिस पेशेंट को बीट नहीं खाना है।
आपको पालक भी एकदम कम खानी है क्योंकि पालक में बहुत ही ज्यादा पोटेशियम होता है। मेथी भी आपको नहीं खानी है। टमाटर की बात करें तो टमाटर आप हफ्ते में एक आध बार थोड़ा सा खाओ तो चलेगा, लेकिन टमाटर हर वक्त आपके खाने में नहीं होना चाहिए, ये भी आपके लिए बुरा है। ब्रोकली, ब्रोकली की सब्जी बहुत जगह पर होती है लेकिन ब्रोकली भी नहीं खानी है, उसमें पोटेशियम 400 मिलीग्राम से भी ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा है, तो ये भी आपको नहीं खानी है। आपको मटर, जो मटर के दाने होते हैं, वो भी नहीं लेने हैं आपको खाने में, क्योंकि उसमें भी पोटेशियम काफी ज्यादा आता है। हर सब्जियों में वैसे मटर मिक्स हो सकता है लेकिन आपको अवॉइड करना है। तो दोस्तों ये थी सब्जियां, और अब बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं फ्रूट्स में क्या खाया जा सकता है और क्या आपको नहीं खाना है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन से फ्रूट्स आपको खाने हैं, जिसमें सबसे पहला है एप्पल यानी कि सेब। आप सेब खा सकते हो, वो भी हफ्ते में एक या दो सेब आप खा सकते हो, उससे ज्यादा फिर भी नहीं खाना है आपको। सेब आपको एनर्जी देगा और उसमें पोटेशियम बहुत ही कम होता है, तो आप सेब खा सकते हो लेकिन हफ्ते में एक या दो सेब बहुत है। उसके बाद आप स्ट्रॉबेरीज खा सकते हो, आप पाइनएप्पल भी खा सकते हो, पाइनएप्पल भी काफी अच्छी चीज मानी जाती है, उसमें पोटेशियम काफी कम है। आप वाटरमेलन यानी कि तरबूज खा सकते हो, लेकिन दोस्तों याद रहे कि ये सारे फ्रूट्स जो है उसमें भी काफी मात्रा में पानी होता है और डायलिसिस पेशेंट को पानी कम लेना होता है, तो ये सारे फ्रूट्स भी आपको कंट्रोल में खाने हैं। और अगर आपने पाइनएप्पल या फिर तरबूज जैसी चीजें खा ली तो उसमें पानी काफी ज्यादा होते हैं, तो उसके सामने आपको पानी उस दिन थोड़ा कम पीना है। अब बात करते हैं कि कौन से फ्रूट्स आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, तो इसमें बड़ी लंबी लिस्ट है क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स में पोटेशियम काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जिसमें सबसे पहले है अमरूद, दूसरा है अंगूर, फिर कीवी, चीकू, बनाना यानी कि केला भी आपको बहुत कम खाना है, आप आम भी नहीं खा सकते, आम में भी बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है। आप अनार के दानों को बिल्कुल मत खाइए, अनार आपके लिए वर्जित है अभी के लिए भी, और ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको अनार नहीं खाना है। उसके बाद है एप्रिकॉट्स यानी कि जर्दालू, उसमें भी पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, तो आपको जर्दालू भी नहीं खाना है। आपको ऑरेंज भी नहीं खाना है और आपको लीची भी नहीं खानी है, ये सारी चीजों में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, तो आपको ये फ्रूट्स ज्यादातर अवॉइड करने हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, कौन से फ्रूट्स नहीं खा सकते, वैसे नहीं खा सकते ऐसे फ्रूट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ये हमें कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप डायलिसिस पे हो तो आपको पोटेशियम पे बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, इसलिए ये फ्रूट्स मत खाइए। आप एप्पल खा सकते हो, ठीक है, आप पाइनएप्पल खा सकते हो, लेकिन ये भी बहुत लिमिटेड मात्रा में। अब आपको मैं कुछ कॉमन सी चीजें बताता हूं जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, आपको बिल्कुल नहीं खानी है, जिसमें सबसे पहले आता है अचार। बहुत सारे लोगों को खाना खाने के साथ में अचार खाने की आदत होती है, लेकिन डायलिसिस पेशेंट को या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद के पेशेंट्स को भी अचार जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज आती है टोमेटो केचप। लोगों को बाजार का टोमेटो केचप खाने की आदत होती है, वैसे तो मैंने बताया कि टमाटर भी बहुत कम खाने चाहिए, तो टोमेटो केचप की तो बात ही नहीं है। और खास करके बाजार में जो रेडीमेड टोमेटो केचप मिलते हैं वो बहुत प्रोसेस्ड होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी आपको नहीं खाने चाहिए। उसके बाद आते हैं पापड़। लोगों को उड़द के पापड़ खाने की आदत होती है, तो पापड़ भी आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उड़द जो है वो बॉडी के लिए, वो डाइजेशन के लिए बहुत हेवी माना जाता है। अगर डाइजेशन की बात करें तो आपको मैदा और बेसन की चीजें भी नहीं खानी है, क्योंकि मैदा और बेसन भी पचने में, डाइजेशन में बहुत भारी होता है, तो आपको बीमार कर सकता है, तो आपको ये सारी चीजें नहीं खानी है। अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि डायलिसिस पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध की बनाई हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन दोस्तों 100% आप इस चीज पे कंट्रोल मत करें, क्योंकि अगर दूध नहीं पियोगे तो बॉडी में कमजोरी आनी ही आनी है, इसलिए ज्यादा नहीं और दूसरी कोई प्रोडक्ट आप डेयरी की मत खाइए चलेगा, लेकिन आपको रोजाना कम से कम आधा कप दूध तो पीना ही है, आधा और मैक्सिमम एक कप। अगर एक कप दूध पीते हो तो सामने आपको पानी बहुत ही कम पीना है, आप यही समझ लीजिए कि आपने एक ग्लास पानी पी लिया, और कम से कम आधा कप दूध रोज पिए, उससे कमजोरी नहीं आएगी, आप थोड़े से फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। अब बात करता हूं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या आपको ज्यादा खाना चाहिए, तो उसमें खास करके है अच्छा प्रोटीन, अच्छे प्रोटीन वाली चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए, जिसमें आता है पनीर। आप सोयाबीन भी खा सकते हो, सोयाबीन से बना हुआ टोफू भी खा सकते हो, जो भी एक पनीर जैसा ही होता है, तो आप ये सब खा सकते हो। आप सभी प्रकार की दाल खा सकते हो,
और दोस्तों ध्यान में रखें कि जब भी आप दाल खाते हो तो उसमें पानी आ जाता है, तो जिस दिन आप दाल पीते हो, दाल खाते हो, उस दिन आपको थोड़ा सा पानी कम लेना है, ये बात ध्यान में रखें। दोस्तों आप सभी प्रकार के कठोर खा सकते हो, उसमें सिर्फ आपको चने नहीं खाने हैं, ब्लैक चने या फिर व्हाइट चने यानी कि जो देसी चने आते हैं वो, और छोले वाले चने ये नहीं खाने हैं। उसके अलावा आप सारे कठोर खा सकते हो, और उसमें भी खास करके मूंग आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप मूंग खा सकते हो। तो इतनी सी चीजें हैं जो आपको खास करके ध्यान में रखनी है। मैंने बताया कौन सी सब्जी खानी है और नहीं खानी है, और कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन से फ्रूट्स नहीं खाने हैं। इसके अलावा भी जो कुछ भी मैंने अवॉइड करने का बोला वो आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। देखिए दोस्तों, डायलिसिस के दौरान भी अपने आप को हेल्दी रखना, फिट रखना ये पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग इसका ध्यान रखते हैं और अपने आप को हेल्दी रखते हैं। डायलिसिस जो है वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, जब तक आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता तब तक। लेकिन दोस्तों तब तक भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर हेल्दी रहोगे, एकदम फिट रहोगे, तभी आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा, वरना फिर डॉक्टर भी आपको ट्रांसप्लांट करने से मना कर देंगे। तो दोस्तों अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए, और जितनी भी मैंने जानकारी बताई उसका ध्यान रखें। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये सारी जानकारी से भी ऊपर है आपके डॉक्टर। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो अपने डॉक्टर से पूछिए, उनकी सलाह लीजिए, वो आपके रिपोर्ट्स देखकर आपको सही सलाह दे सकते हैं। तो आपको और भी कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।